नमस्कार साथियों, इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ पर चंबल नदी, काली सिंध और परवन नदी और बनास नदी को लेकर अपडेट यह है कि यहाँ पर जो पानी निकाला जा रहा था, लगातार निकासी बनी हुई थी। मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण अब जो है कम हो चुकी है, बारिश वगैरह बंद हो चुकी है। हल्का फुल्का मानसून है, इसीलिए अब जो है सभी जो है गेट बंद कर दिए गए हैं। चाहे वो गांधी सागर हो, चाहे कोटा बैराज हो, चाहे राणा प्रताप सागर हो, चाहे बंडवासी डैम हो, सभी के बंद कर दिए। परंतु अपडेट ये है कि जो बनास में बना हुआ बिशलपुर डैम है, इसके दो गेट सुबह खोले गए थे। ये महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत मानसून है, ठीक है, ये भी 27 तारीख तक जो है मानसून बना रहेगा। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। आप लोगों को बता दें जो है पश्चिमी राजस्थान में जरूर जो है बारिश का माहौल बना रहेगा और हल्की फुल्की बारिश जैसे कि आप देखेंगे तो कोटा संभाग और जयपुर वगैरह में पड़ेगी थोड़ी बहुत, और उदयपुर में भी बारिश का माहौल बना रहेगा। परंतु अब ज़्यादा बारिश नहीं होने वाली, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए गाँवों में किस प्रकार रोडों की हालत हो गई है, ये आप रोड की हालत देख सकते हैं। बिल्कुल बेकार हालत हो चुकी है रोडों की बरसात के कारण। इसलिए जल्दी से जल्दी इनके रोड वगैरह जल्दी से जल्दी सुविधा की जाए ताकि गाँव वालों को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। तो इसी प्रकार सारे हालत बने हुए हैं हर जगह के, कहीं के भी आप देख लीजिए सभी तबाह हो चुके हैं। लगभग 7,000 घर धराशायी हो गई है कोटा और बूंदी में। ये अपडेट महत्वपूर्ण अपडेट है। लगातार ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कोई और अपडेट आएगी चंबल नदी को लेके तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को फायदा हो सके।